एक्स्ट्रा मीठा बनने की जरूरत नहीं है, सीधे पॉइंट पे आओ। तुझे पता है ये पूरा शो इम्प्रोम्प्टू करते हैं, मतलब कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। तभी इतना खराब है। अरे फनी तो है यार, मतलब देखना एक दो गालियां भी दे रहे हैं, लोगों को पसंद आती है गालियां, और देख थोड़ी सोशल कमेंट्री भी करते हैं। इनके जोक सुन के ना मुझे तो अपने गौमूत्र वाले जोक की याद आ गई। हाँ यार, फुल नॉस्टैल्जिया। बट ये लोग हर दूसरे एपिसोड में क्यों बोलते रहते हैं हमें कोई ग्रिल नहीं करता, हमें कोई बॉयकॉट नहीं करता, वैसे इनको कोई देखता भी नहीं। सो आई वाज थिंकिंग दीप, हम ही इनको ग्रिल कर लेते हैं ना थोड़ा। मैं बस यार पहुंचवा दो अब तो। हाय गाइस, मैं हूं जैन, मेरे साथ है शुभम, और आप देख रहे हैं और फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। नहीं नहीं, आज थोड़ा सा अलग है जैन। आज जो हमारी इतने लंबे टाइम से इच्छा रही है ना कि कोई तो हमें बॉयकॉट कर दे, कोई तो हमें डिसलाइक कर दे, कोई तो हमें रोस्ट कर दे, कोई तो हमें ग्रिल कर दे, वो इच्छा फाइनली पूरी होने जा रही है। और दो ऐसे लोग आके हमें हमारे ही शो पे ग्रिल करने वाले हैं जिन्होंने अपना कॉमेडी करियर बस्ती भाई के स्टैंडअप के बाद शुरू किया बेसिकली। तो पहले वो भाई, भाई इच्छा तो हमारी 1 मिलियन की भी थी, लेकिन माता रानी ने सुनी कौन सी इच्छा, रोस्ट ग्रिल करने वाली। अरे यार अब वही है ना, आप नवरात्रे में अभी प्याज खाते पकड़ा मैंने आपको, कैसे इच्छा पूरी हो जाएंगी आपकी। आज मैं ग्रिल हो रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा कि भैया पनीर को कैसा लगता है। तो दोस्तों आज जो हमारी बजाने आ रहे हैं, बिना ज्यादा देर के हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो है एक कॉमेडी कपल। हेलो एवरीबॉडी टू द ग्रिलिंग सेशन ऑफ जैन एंड शुभम। मैं एवरीबॉडी क्यों बोल रहा हूँ, चार लोगों ने तो ये वीडियो देखना है और इस जूम कॉल में पूरे 6 लोग हैं। जैन तो शर्मीली दुल्हन की तरह बैठा है, क्या हो गया जैन? क्यों नहीं, सीरियसली भाई हमें तुम्हारी बनंदी और जग्गिया वाली जो सेगमेंट है ना, बहुत फनी लगती है भाई, जेन्युइनली बहुत फनी लगती है। क्योंकि देख वो भी कपल, हम भी कपल, बस तुमने ना कॉमेडी करना पिछले सीजन ही छोड़ दिया था। मैं पिछले सीजन में भी था, जस्ट फॉर दैट, जस्ट टू लेट यू गाइस। अच्छा पिछले सीजन में भी थे, सो नाइस। वैसे तुम्हें वो गोपी बहू वाला मीम पता है जैन? तुम्हें पता है गोपी बहू ने अपने लैपटॉप क्यों धोया था? क्योंकि उस पे ऑनेस्ट रिव्यू का वीडियो दब गया था गलती से। सही है ना, बच गई गोपी बहू, लैपटॉप खराब हो गया, उसे कॉमेडी कपल नहीं देखनी पड़ेगी। Well, it's also available on TV, phone, laptop, कहीं भी देख सकते हैं। इस साल ना बहुत सारे बैड न्यूज आए हैं, बट दोज बैड न्यूज आर नथिंग कम्पेयर टू द नंबर ऑफ न्यूज सेगमेंट यू गाइस हैव ट्राइड ऑन द शो, ट्राइड एंड फेल्ड। आई थिंक वी आर स्टिल डूइंग बेटर देन न्यूज चैनल्स, तो हमारी लड़ाई उनसे है, वी आर डूइंग बेटर। कॉम्पिटिशन तगड़ा है तुम्हारा भाई। यार तुम दोनों को किसी ने बताया कि सिर्फ लंबा होने से कुछ नहीं होता, इफेक्टिवनेस बहुत जरूरी है ना? अबे गंदे दिमाग वालों, मैं तुम्हारे शो के लेंथ की बात कर रहा हूँ। काटो यार, एडिट करो, छोटा बनाओ। अगर 5 मिनट की वीडियो में ही बंदा सो जाए तो सोचो कभी तुमने पिक्चर की तो क्या होगा। टिकटॉक पे आटा उड़ाने वाले वीडियोस से भी छोटा था। अरे बीबी उन वीडियोस में आटा तो उड़ता है, इनके शो ने तो कभी टेक ऑफ ही नहीं किया। छोटा होने से फर्क नहीं पड़ता, इफेक्टिव होना जरूरी है। अच्छा अच्छा, मेरी लाइन मुझे ही बताया बेटे। आई एंजॉय दैट अबाउट यू जैन, यू आर अ क्विक लर्नर, नाइस बीबी। 9 out of 10 पीपल prefer watching those 5 unskippable YouTube ads more than they want to watch their honest review. मैंने इनका वीडियो देख लिया है, उसमें पता चला कि BTS वीडियो था इनका, उसमें पता चला कि 25 से 30 लोग लगते हैं इनका एक वीडियो बनाने में। भाई इतने में तो हम पूरी कॉमेडी कपल बना के आए हैं। आपने कोविड टाइम में लिमिटेड लोगों के साथ फिल्म बनाई है, हमने भी कोविड टाइम में अपनी ऑडियंस भी बहुत लिमिटेड कर ली है। We are following digital distancing. जोया तुझे पता है पहले जो इनके ऑनेस्ट रिव्यूज होते थे ना, उसमें सबटाइटल्स भी होते थे, क्योंकि जो ऑडियंस सुन नहीं सकती ना वो पढ़ के रियलाइज कर लेती थी इनका कंटेंट कितना अनफनी है। मैं जेन्युइनली बड़ा थक गया हूँ। इनकी भी ना, इनके ऑनेस्ट रिव्यूज की भी हालत ना वो गर्म बियर की तरह हो गई है, अब गले के नीचे नहीं उतरता इनका रिव्यू। ठीक है यार, अब हम बस करते हैं। बट जाते जाते भाइयों और बहनों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में 3 चीजें वो क्या है जो बहुत पसंद है। इनका थंबनेल, इनकी फॉन्ट एंड द फनी फेस ऑन द थंबनेल, दैट्स इट। अरे बेबी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बताई नहीं, जो ऑडियंसेस को इनकी सबसे अच्छी लगती है
जब इनका वीडियो खत्म होता है एंड में लिखा आता है ना द एंड, इसी पे दोस्तों हम अपना रोस्ट खत्म करते हैं. एंड नाउ द फ्लोर इज योर्स. आई नो यू हैव टन्स ऑफ जोक्स टुमारो ऑन अस, ब्रिंग इट ऑन. अब दोस्तों हमारे हिस्से का सेगमेंट आ चुका है और अब हमारी भी आवाज निकलेगी. पिछले काफी टाइम से इस वीडियो के अंदर हम चुप थे और अब हम बताएंगे कि वो क्या तीन चीजें हैं जो हमें इस फिल्म के बारे में अच्छी लगी और वो क्या तीन चीजें जो हमें इस फिल्म के बारे में अच्छी लगी. बोलो जैन. फर्स्ट थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट द फिल्म वाज दिस न्यू एंड मॉडर्न टेक ऑन रिलेशनशिप्स. बहुत टाइम से हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को उसी बाइनरी उसी पुराने विजन से देखते चले आ रहे हैं. यहाँ पर थोड़ा सा नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करी विच इज क्वाइट रिफ्रेशिंग. सेकंड थिंग वी रियली लाइक अबाउट द फिल्म इज कि एक और इनमें काफी यूनिक चीज दिखाई गई है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस के ऊपर फिल्म बनाई गई है. उनके ऊपर आज से पहले सिर्फ न्यूज बनती थी कि पिट गए पीट दिए गए, लेकिन अब फिल्म बनाई गई है तो ये काफी अच्छा लगा हमें देख के. एंड विच ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू द थर्ड थिंग वी लाइक अबाउट दिस फिल्म कि इसमें हमारे दो दोस्तों को भी लिया गया है, जस्सी और बस्सी को. यस, बस्सी भाई भी है इसमें. हाँ, बस्सी भी है, जस्सी भी है. विच इज एंड ऑल्सो इज द फर्स्ट थिंग आई डिसलाइक अबाउट द फिल्म कि कैसे कैसे अनटैलेंटेड लोगों को फिल्में मिल रही है आजकल. बताओ, जस्सी को, बस्सी को. बॉयकॉट शिवम. क्यों भाई क्यों? वो आदमी हमारे शो पे आके हमारी ले सकता है, हम तो अपने शो पे उसकी ले ही सकते हैं, क्या देखते हैं? हाँ, जैसे सेकंड थिंग वी डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म, फिल्म की उस करने के लिए दो रिव्यूअर्स की मार ली. हाँ, ये कौन सा तरीका होता है प्रमोशन करने का भाई? और 50 तरीके हैं, लेकिन हमारे शो में आके हमें पेल दोगे, नॉट वेरी अप्रिशिएटिव. एंड थर्ड थिंग वी डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म इज दैट कि पूरी फिल्म शूट हुई है भाई साहब गुड़गांव में. अब हमें नहीं लिया तो चलो कोई बात नहीं, राजेश को तो ले लेते, उस बेचारे को इस वीडियो में भी नहीं लिया, फिल्म में भी नहीं. एंड में स्टार्ट एंड में वही तो स्टार्ट एंड में कहीं भी डाल देते, जिसमें यार जस्सी बस्सी जैसे लोगों को ले रहे हो, राजेश उनके बराबर तो है ही. कह सकते हैं वही तो ये चीजें थी जो हमें अच्छी लगी. बाकी फिल्म आ चुकी है Z5 पे, तो आप जाके देखें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, इस वीडियो को करें लाइक, दोस्तों के साथ करें शेयर, कॉमेंट करें. और अगला रिव्यू तो आपको पता ही है कौन सा आने वाला है, कोई कहने सुनने की बात रह नहीं गई. Yes, भाई वो तो सब लोग सब मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ कि वो रिव्यू आए तो शायद कुछ हो. वैसे अपना हर्षद मेहता वाला वापस ट्रेंडिंग पे जा चुका है. थैंक्स गाइस हर्षद मेहता. एक्चुअली ये सब उनके ही किया था. आदित्य ठाकरे को बोलो कोई चेन्नई सुपर किंग की इज्जत भी बचा ले. चेन्नई सुपर किंग की इज्जत कोई नहीं बचा सकता गाइस, कोई भी नहीं. और आदित्य ठाकरे तो मतलब इतनी कम एज का है कि उनका फैन बनने के लायक भी नहीं है. प्लेयर तो छोड़ो.